कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करने के बाद में अब बारी आती है हमारे एसईओ की, और शुरुआत हम करेंगे ऑन पेज एसईओ से। सो आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ की। आई होप कीवर्ड रिसर्च आपने काफ़ी अच्छे से की होगी, काफ़ी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। एंड डोंट वरी, मैं साथ साथ में और भी वीडियोज़ भी लेकर आती रहूँगी जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊँगी कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अलग अलग नीश के मैं कॉन्टेंट लेने वाली हूँ, वेबसाइट्स लेने वाली हूँ, और उनकी कीवर्ड रिसर्च हम साथ में मिलकर करेंगे। सो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोस लाने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम शुरुआत कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ की, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जब भी आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उस टाइम आपके क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। बेसिकली चेकलिस्ट क्या होती है, तो बेसिकली आप इसको नोट डाउन कर सकते हो एक एक चेकलिस्ट को, और उस अकॉर्डिंग जब भी आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी बिजनेस का आप ऑन पेज एसईओ करें तो ये सारी चेकलिस्ट आपके माइंड में रहें कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। और वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक्निकल एसईओ और कुछ भी नहीं बल्कि ऑन पेज का हिस्सा है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। तो आज की इस वीडियो में जो नॉन टेक्निकल ऑन पेज का जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और टेक्निकल हम ऑन पेज का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके बाद में शुरू करेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं कि जब भी आप किसी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करेंगे तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, यानी चेकलिस्ट क्या होगी। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट। कंप्लीट चेकलिस्ट में बताने वाली हूँ। हो सकता है इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हों, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ABCD से हमें शुरुआत करनी है। बीच बीच में और भी कई वीडियोस में लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको कोई अगर नई अपडेट आई है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, कोई ऐसा पॉइंट जो कि थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो एक बेसिक चेकलिस्ट जो एक होती है ऑन पेज की, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेसिकली हम जब किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट में हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी वेबसाइट के पीछे की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी आप कह सकते हैं उस वेबसाइट के पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है कि उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें मिलती ही हैं, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड में क्या है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं उस वेबसाइट का सोर्स कोड। सो सोर्स कोड देखने के लिए सिंपली आप कोई भी पेज ओपन कीजिए, पूरी वेबसाइट का नहीं होता, ये पर्टिकुलर हर पेज का होता है। तो जो जिस भी पेज का आपको बैकग्राउंड देखना है, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखनी है, उसका पीछे का कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए आपको उसका सोर्स कोड देखना होगा। उसके लिए आप किसी भी पेज पर जाइए और आपको क्लिक करना है Ctrl+U, ठीक है, Ctrl+U आप अपने कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो आपको उस वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड दिख जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पर जाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पर जाइए, तो भी आपको उसका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट किस तरह से किसी भी वेब पेज पर जाइए और Ctrl+U को प्रेस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, उस वेबसाइट का कंप्लीट को सोर्स कोड मिल जाएगा। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो उसमें सोर्स कोड बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को आप जब इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि उसमें कमियाँ क्या हैं, तभी आप उनको सुधार पाओगे। तो कमियाँ कहाँ हम देखेंगे, सोर्स कोड में। तो सोर्स कोड देखने के लिए Ctrl+U दबाइए। अभी भी आपके किसी भी अगर ब्राउजर पर हैं तो वहाँ पर जाइए। फ़ोन में एंड्रॉयड iOS में करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेब पर, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिजिटल मार्केटर अगर आप एक बनना चाहते हैं तो लैपटॉप की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ने वाली है, स्पेशली SEO पार्ट में। सो इसीलिए किसी भी वेब पेज पर जाइए, Ctrl+U दबाइए तो आप देखेंगे पीछे जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी आपके सामने आएगी। उसे देखकर घबराइएगा मत, बिल्कुल वो कोडिंग है, थोड़ा सा टेक्निकली वो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरे कोर्स में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे चेकलिस्ट की। तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे जो टैग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं, वैसे तो इन सब की एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सब के लिए मैं अलग वीडियोज़ लेकर आऊँगी, लेकिन इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट बताऊँगी। तो टैग्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी कोई भी वेबसाइट होती है उसमें जो कॉन्टेंट होता है या फिर एक पेज पर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट टैग्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक वेबसाइट का या फिर एक वेब पेज का हमारा जो टाइटल होता है उसे हम टाइटल टैग कहते हैं। फिर उसका कई बार आप जब गूगल पर सर्च पर कुछ भी टाइप करते हो तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो वेब पेजेस मिलते हैं उनका कोई डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, तो वो भी एक तरीके का टैग होता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि हम वेबसाइट पर पुट तो करते हैं लेकिन वो हमारी ऑडियंस को नहीं दिखते हैं, जैसे कि मेटा कीवर्ड्स होते हैं। वैसे तो इन्हें कहा जाता है कि आजकल ये पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये कुछ टैग्स होते हैं। टैग्स के साथ साथ में ही आप देखते हैं कि हर एक वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं उन हर एक पेज का एक अलग से यूआरएल होता है। यूआरएल सबसे पहले हमारा डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम के बाद में आप देखते हैं हमारा आगे का यूआरएल होता है जिसे हम स्लग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसे भी ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो भी अभी हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं ना, उन सभी कीवर्ड्स की हेल्प से हम वो एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में उन सबको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी वेब पेज का, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो कुछ जो हमारे टैग्स होते हैं वो लगते हैं हमारे हेड सेक्शन में, कुछ लगते हैं बॉडी सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में जैसे मैंने आपको मेनली बता दिया कि टाइटल हो जाता है हमारा, मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, कीवर्ड्स हो जाता है। तो ये सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको सही करना पड़ेगा, इनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब इनको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इनके लिए अलग से एक-एक की मैं डेप्थ में आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूं। वर्डप्रेस पर कैसे करेंगे, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट पर कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब बात करते हैं कुछ और टैग्स की। तो यहाँ पर हेडिंग टैग्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो भी कॉन्टेंट पड़ा है, नॉर्मली हम जब ऐसे लिखते हैं, कोई भी स्कूल में जब ऐसे लिखवाया जाता तो हम कैसे लिखते थे, हेडिंग डालते थे, फिर उसके बारे में कुछ लिखते थे, फिर हम दूसरी हेडिंग डालते थे, सब हेडिंग डालते थे, फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करते थे, फिर कुछ पॉइंट्स आ जाते थे, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते थे। तो हर एक पैराग्राफ की कोई ना कोई हेडिंग टाइप होती थी। तो उन्हें वैसे ही हमारी वेबसाइट पर जब आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं, स्पेशली ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जहाँ पर कुछ टेक्सचुअल कंटेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ हेडिंग्स हैं वहाँ पर, तो उन हेडिंग्स को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, वीडियोस अलग से लेकर आऊंगी, एक एक वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज आपको देने वाली हूं मैं। जब हमारी वेबसाइट के टैग्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगे अच्छे से, तब हम जाएंगे हमारे कंटेंट पर। देखिए हमारे कंटेंट में, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक वेब पेज पर, एक वेबसाइट पर काफ़ी सारे लिंक्स अटैच होते हैं। हो सकता है वो जो लिंक्स हों वो एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस का हो सकता है वो किसी दूसरी वेबसाइट का हो। तो अगर कोई ऐसा लिंक है जो कि आप ही की वेबसाइट के किसी वेब पेज का है तो उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एंड अगर कोई ऐसा लिंक अटैच्ड है आपके किसी वेब पेज पर जो कि आपकी वेबसाइट के बाहर से किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट का है, तो उसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट होता है। वैसे पहले बोला जाता था कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए 120 लिंक्स ही आपके अटैच होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और बिजनेस वेबसाइट के लिए या फिर अलग कंटेंट वेबसाइट के लिए ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी जो आज के टाइम में 2022 में क्या ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी हमारी, इन सभी चेकलिस्ट में एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उनकी मैं डेप्थ में बात करने वाली हूँ। तो आपकी इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग सही हो, और सबसे बड़ी बात ब्रोकन लिंक्स आपके कोई भी ना हो, और उसी के साथ साथ जो भी आपके लिंक्स अटैच हैं वो प्रॉपरली कीवर्ड्स के साथ हो, यानी प्रॉपर एंकर टेक्स्ट आपके लिंक्स के साथ में अटैच्ड हो। सो एंकर टेक्स्ट को भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे जब भी हम इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की बात करेंगे। तो ये जो चेकलिस्ट है इसमें एंकर टेक्स्ट ऐड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही हमें आगे ले जाती हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 200 से भी ज़्यादा फैक्टर्स को सर्च इंजन कंसिडर करता है जब भी वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है। तो 200 फैक्टर्स में से जितने ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं उतने हम करेंगे। तो एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद में बारी आती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की। अभी तक जो भी हमने किया, वेबसाइट की हेडिंग देख लीजिए, टैग्स देख लीजिए, एंकर टेक्स्ट देख लीजिए, लिंक्स देख लीजिए, लेकिन अब जो हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। तो जब मैं मेन कंटेंट की बात करती हूँ तो हमेशा जैसा मैं बोलती हूँ कि क्रिएटिव आपका कंटेंट होना चाहिए, सही ढंग से लिखा हुआ होना होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करूंगी आने वाले वीडियोस में भी कि कीवर्ड डेंसिटी पर आपको फोकस करना है कि ऐसा नहीं है कि आप 1000 वर्ड्स का आपका कोई कंटेंट लिखा हुआ है और उसमें 500 बार आपका कीवर्ड आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं, ये एक स्पैम टेक्निक है और ये आपको यूज नहीं करनी है। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, कैसे सही करेंगे, इसके लिए मैं आपको डिटेल में चीजें बताने वाली हूँ हमारे इस पूरे कोर्स में। उसी के साथ ही कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमें ध्यान रखना है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म यानी जब भी आप किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हो या फिर किसी का डुप्लीकेट कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पुट करते हो, उसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी आप ज़रूर अपनी चेकलिस्ट में ऐड कीजिएगा। ये कैसे करेंगे, कैसे इसको रिमूव करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। और एक मैं आपको और चीज़ें बताऊँगी जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल स्पिनिंग। ये ब्लैक हेड टेक्निक है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज हमें करनी पड़ती है आर्टिकल स्पिनिंग। तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखेंगे और इस तरह से करें कि वो एक व्हाइट हैट टेक्निक ही हो, ये हम देखेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। उसी के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, लेकिन ग्रामर कंटेंट की अच्छी होना ज़रूरी है। उसका कारण यही है क्योंकि देखिए गूगल, जैसा हम बोल रहे हैं कि गूगल की बात करें तो गूगल इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 2 वेबसाइट्स हैं, उसके सामने 2 वेब पेजेस हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सेम तरीके का कॉन्टेंट पड़ा है, अच्छा कॉन्टेंट लिखा हुआ है, कॉन्टेंट भी अच्छा है, इमेजेस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पूरा यूज़र इंटरफेस अच्छा है, लेकिन अगर एक की ग्रामर बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि गूगल ट्रेस कर लेता है ग्रामर को। गूगल हमें यह भी बता देता है कि ग्रामर यहाँ पर गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो अगर एक की ग्रामर सही है, एक की ग्रामर गलत है, तो आप खुद ही सोचिए लॉजिक के हिसाब से कि वो किसको प्रायोरिटी देगा। तो एक भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है जिससे गूगल को ये रीज़न मिल जाए कि इस वेबसाइट को डाउन रैंक करना चाहिए। तो ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। एंड बहुत सारे जो SEO एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं, बट लॉजिक से हमें काम लेना है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हर उस चीज़ पर बिलीव मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, बल्कि अपना लॉजिक यूज़ कीजिए कि क्या ये चीज़ सही है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक सब सेक्शन आ जाता है, दैट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। वैसे तो इमेज कंटेंट का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग कंसिडर करते हैं थोड़ा। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेज बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की नहीं होनी चाहिए। कंप्रेस हम उनको करेंगे या फिर हम करवाएंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे जिससे क्वालिटी भी बनी रहे और साइज भी हमारी इमेजेस का छोटा हो, जिससे हमारा यूजर इंटरफेस बढ़े। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर बड़ी इमेजेस होंगी तो हमारा पेज लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वेबसाइट का। सो उसको हमें कम करने के लिए इमेजेस पर हम ध्यान देंगे। उसी के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इमेज पर हम ऑल टेक्स्ट या ऑल एट्रीब्यूट्स, आप इसे कह सकते हैं, इन्हें हम ऐड करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अल्टरनेट नेम। अब ये क्या होता है, कैसे इसको लगाएंगे, क्या कीवर्ड्स इसमें पुट करेंगे, इसके लिए डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। सो आपकी जो इमेजेस हैं उन पर प्रॉपर ऑल्ट नेम लगा हो, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्ट नेम के साथ साथ हर इमेज का प्रॉपर टाइटल हो, क्योंकि देखिए आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए या फिर किसी भी वेब पेज पर जाइए, वहां पर कोई भी इमेज हो उस पर अपना कर्सर ले जाइए। जब भी आप कर्सर ले जाएंगे तो वहां पर आपको एक विंडो पॉपअप होगी जिस पर उस इमेज पर क्या है, वो इमेज क्या है वो लिखी होगी। तो उसे हम टाइटल कहते हैं। तो वो टाइटल भी प्रॉपर हो आपकी वेबसाइट का, वेब पेज का। अब वो कैसे करना है, क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखिए, इसके लिए एक एक चीज़, मैंने बोला ना एक एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ना, वो सारी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इस पूरे कोर्स में। उसी के साथ ही इमेज अगर आपने किसी कहीं से कॉपी की है, सो मेक श्योर वो कॉपीराइट फ्री हो, और अगर कॉपीराइट फ्री नहीं है तो आप बेटर कि उसको वो क्रेडिट दें। क्रेडिट कैसे देंगे, तो अगेन हम वहाँ पर कुछ ना कुछ लिंक्स अटैच करेंगे। लिंक अटैच करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम ऑन पेज SEO की बात करते हैं। उसी के साथ ही कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलिज्म। कीवर्ड कैनिबलिज्म, पहले तो कैनिबलिज्म की बात कर लेते हैं। कैनिबलिज्म बेसिकली जब एक ब्रीड, मतलब एक ही टाइप के दो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं यानी खा जाते हैं, उसे हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होगा, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस में 2 या 3 पेजेस आपके ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो 3 मेरे पेजेस हैं वो तीनों आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी आपस में ही उनका कंपटीशन चल रहा है टॉप रैंक करने के लिए। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है जब भी हम ऑन पेज SEO की बात करेंगे कि हमारे जो वेब पेजेस हैं ऐसा ना हो कि हमारे एक से ज़्यादा वेब पेजेस किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये कीवर्ड कैनिबलिज्म की कैटेगरी में जाएगा और ये चीज़ हमारी वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कीवर्ड कैनिबलिज्म को भी कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके लिए मैं आने वाली जो वीडियोज़ आने वाली है ना, उनमें मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। अब ये जो मैंने सारी बातें की ना, ये हमारा बेसिकली नॉन टेक्निकल एसईओ था, लेकिन टेक्निकल एसईओ भी ऑन पेज का पार्ट है। लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी टेक्निकल एसईओ की, जहां पर मैं कंप्लीट आपको जो टेक्निकल क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में हमने देखा कि ये जो पूरी चेकलिस्ट है ये आपको चेक करनी है, यानी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम एक वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करेंगे, नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ कोर्स। लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आप अभी भी एसईओ के तीन पार्ट्स मानते हैं, ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज, तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसी तरीके से बताया है आपको कि ऑन पेज और टेक्निकल एक भी आप मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बोलना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को जो भी चीज़ें करके दे रहे हो, क्योंकि क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ऑन पेज है, ये नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल है, ऑफ पेज है, नहीं, क्लाइंट ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। क्लाइंट आपसे सिंपली पूछेगा भाई रिजल्ट क्या हुआ, बिजनेस कितना गया। सो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये थ्योरी चीज़ें तो ठीक है, ये हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन क्लाइंट को सिंपली एक चीज़ से मतलब होगा कि क्या आप उसे रिजल्ट दे रहे हो। तो ये एक चेकलिस्ट जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे हम इनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे इनको एक एक चीज़ को कैसे समझेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पुट होनी चाहिए, किसमें कीवर्ड्स यूज़ होंगे, कौन से कीवर्ड्स यूज़ होंगे, ये सारी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपने सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, क्योंकि 1 मिलियन होने वाला है बहुत जल्दी, एंड मेक श्योर कि आप ही हो जिसकी वजह से हमारे 1 मिलियन हो। सो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।